मेडिटेशन साधना टेक्निक आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे वीडियोस को देखते हैं, उन्हें अपना प्यार देते हैं, हम आपके बहुत आभारी हैं। बीते कुछ दिनों से मेरी पर्सनल तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। यहाँ वायरल फीवर काफी समय से फैला हुआ है, जिस कारण काफी लोग वायरल की चपेट में आ रहे हैं। मैं भी जल्दी कोई दवा का सेवन नहीं करता हूं, लेकिन क्योंकि फीवर था, काफी तेज मुझे फीवर हुआ और खांसी, गला खराश, जैसा कि आपको आवाज से लग भी रहा होगा। तो वो फीवर ऐसा था कि 101, 102 पे, वो 101, 102 पे लगभग रुका हुआ था। और पहले मैंने घर पे कुछ पैरासिटामोल खाई, लेकिन उससे उसमें कुछ असर नहीं हुआ। फिर मैं गया डॉक्टर के पास, मैंने कहा ठीक है, एक बार डॉक्टर्स को दिखा लेते हैं। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने वायरल कहकर उसको डिटेक्ट किया और गैस की टैबलेट, क्योंकि एंटीबायोटिक्स गैस करती हैं, एंटीबायोटिक्स, और उसके बाद उन्होंने फीवर को उतारने के लिए भी टैबलेट दी। उन टैबलेट्स को लेने के बाद भी लगभग 36 घंटे हो रहे थे, मेरा फीवर 100, 100.5, 99.8 समथिंग, मतलब बना हुआ था। क्योंकि डॉक्टर भी मेरे फ्रेंड हैं, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि नहीं, वायरल जो है जल्दी नहीं उतरता, इसको थोड़ा समय लगता है। तो हम कुछ खोज करने में लगे और जब मैंने वो औषधि ली, आज लगभग तीसरा दिन है और मेरी बॉडी का टेम्परेचर 97.5 या 98 के ऊपर गया नहीं, मतलब फीवर मुझे दोबारा आया ही नहीं। जैसे कि हम अपने चैनल पे जो भी डालते हैं, ये जरूरी नहीं कि हम व्यूज के लिए बात करें, हम जो भी डालते हैं वो पूरी तरह से प्रमाणिक होता है और परीक्षित होता है। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना, अगर मैं किसी चीज से, मुझे वायरल फीवर मेरा दूर हुआ है, तो मैं आपसे भी शेयर करूं कि आप भी ऐसा करिए तो आप वायरल से बचेंगे। तो अगर देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर बहुत कोई सीवियर कंडीशन हो तो आप अवश्य डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन अगर आपको लगता है हल्का फुल्का वायरल है या आप थोड़ा बर्दाश्त कर सकते हैं, तो ये मेडिसिन आप यूज करिए। आपको वायरल अपनी चपेट में नहीं ले पाएगा। और इसमें मैं एक और मेडिसिन बताऊंगा, उसको आप लेते रहेंगे तो आपके शरीर का इम्यून पावर बढ़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बॉटल लेनी है गिलोय की। गिलोय एक बहुत अच्छी औषधि है जो कि वायरल को, फीवर को और बहुत सारी बीमारियों को दूर करती है। मैंने पर्सनली पतंजलि का ब्रांड लिया था, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं जो आपको ठीक लगे। और एक बॉटल ले लीजिएगा एलोवेरा की। मैं बॉटल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये छोटी बॉटल्स में नहीं आती है, नॉर्मली 250 या 500 ml की बॉटल्स मिलती है। तो आपको गिलोय यूज करना है 10 से 15 ml तीन बार। आप समान पानी के बराबर भी मिला के पी सकते हैं या डायरेक्ट पी लीजिए, थोड़ा सा एक दो घूंट पानी ऊपर से पी लीजिए तो जल्दी असर होगा। और एलोवेरा भी साथ में लीजिए, मतलब 15 ml गिलोय और 15 ml एलोवेरा आप पी लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी आप पी सकते हैं, क्योंकि गिलोय का जो टेस्ट है वो काफी कड़वा होता है और एलोवेरा का टेस्ट अच्छा रहता है। एलोवेरा में फ्लेवर्स भी आते हैं, ऑरेंज, लेमन आपको मिल जाएगा, लेकिन गिलोय में कोई फ्लेवर नहीं मिलेगा। तो गिलोय आपको लेना है 10 से 15 ml और एलोवेरा लेना है 10 से 15 ml। पहली खुराक जब आप लेंगे, इसके बाद थोड़ा सा बॉडी में पसीना आएगा, आपको कंबल ओढ़ना है, और ये जब पसीना निकल जाएगा तो जो बुखार है उसको निकलने देना है, मतलब जो उसके टॉक्सिन है उसको बाहर आने देना है। धीरे धीरे आपके शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। थोड़ा परहेज रखना है, आराम करना है, लेकिन इस दवा को दिन में तीन बार लेना है और केवल तीन दिन तक लेना है। आपको दोबारा फीवर नहीं आएगा, आपको दोबारा फीवर नहीं आएगा। 99% वायरल फीवर या कोई और भी फीवर इससे पूरी तरह ठीक हो जाता है। आपको ये लेना है, अगर इससे भी ठीक नहीं हो रहा हो तो चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। दूसरी चीज, एक आपने मेडिसिन देखी होगी, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, काफी सारी कंपनीज उसको बना रही हैं, उसको बोलते हैं 51 तुलसी, मतलब 51 प्रकार की तुलसियों के अर्क से मेडिसिन बनाई गई है। 51 तुलसी का अर्क है, वो मेडिसिन आप लीजिए, रोज 2-3 बूंद गिलास पानी में
आप एक ग्लास आधा ग्लास पानी में ले लीजिए, मतलब 50 ml से 100 ml वाटर के बीच में लीजिए, रोज दो तीन बूंद मिला के पी लीजिए। दिन में एक बार लीजिए या दो बार भी ले सकते हैं, मैं एक बार ही लेता हूँ। उससे आपका इम्यून सिस्टम जो है वो काफी मजबूत होगा और आप वायरल की चपेट में नहीं आएंगे। देखिए, हमारा इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि आप स्वस्थ रहें। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अच्छे से ध्यान कर पाएंगे। अगर आप शरीर ही स्वस्थ नहीं है, मस्तिष्क ही स्वस्थ नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको साथ या आपके किसी जानने पहचानने वाले को ऐसी कोई समस्या आती है तो ये उपाय अवश्य करें। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 15 ml गिलोय, 15 ml एलोवेरा दिन में 2 से 3 बार लेना है, केवल 3 दिन तक लेना है, उसके बाद नहीं लेना है। और जो तुलसी अर्क है 51 तुलसी का, वो 2-3 बूंद 100 ml पानी में लीजिए, 15 दिन 1 महीने तक आप ले सकते हैं। शुरुआत में 15 डेज तक आप लीजिए, उससे आपके शरीर को इम्यूनिटी को काफी बूस्ट मिलेगा। और ये उपाय बिल्कुल कारगर है, मैंने अपने ऊपर खुद अपनाया है, बहुत अच्छा इफेक्ट आया है। जो काफी हैवी डोज की एंटीबायोटिक्स या पैरासिटामोल और गैस्ट्रिक की टैबलेट जो ठीक नहीं कर पाई, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा खोजी गई जड़ी बूटी ने तुरंत ठीक किया है। तो इसको जरूर लीजिए, लाभ कमाइए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मेडिटेशन ध्यान साधना टेक्निक्स आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे मिशन को सफल